I will now give the floor to Her Excellency Sushma Swaraj, Minister for External Affairs of India. नमस्कार सभापति जी, सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्री लाइचेक को यूएनजीए के 72वें सत्र के सभापति चुने जाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम विदेश मंत्रियों में से ही एक विदेश मंत्री आज इस उच्च आसन के लिए चुना गया है। सभापति जी, मैंने पिछले वर्ष भी सभा को संबोधित किया था। इस एक वर्ष के अंतराल में संयुक्त राष्ट्र में और दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव चुने गए हैं और वो संयुक्त राष्ट्र को एक सशक्त संस्था बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें परिवर्तन के एक पुरोधा के रूप में देखते हैं। सभापति जी, आज का विश्व अनेक संकटों से ग्रस्त है। हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, आतंकवादी विचारधारा आग की तरह फैल रही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, समुद्री सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विभिन्न कारणों से अपने देशों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है। बेरोजगारी से त्रस्त युवा अधीर हो रहा है और पक्षपात से पीड़ित महिलाएं समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का विषय पुनः सिर उठा रहा है और साइबर सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन संकटों में से बहुत से संकटों का समाधान करने के लिए हमने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक का एजेंडा तय किया था। उसके दो वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बाकी हैं। यदि 13 वर्षों में वास्तव में हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यथास्थिति से बाहर निकलना होगा। यथास्थिति बनाए रखते हुए हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते और इसलिए हमें अपने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और कठोर फैसलों का साहस जुटाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत ने इस संदर्भ में बहुत अभिनव पहल की है, बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। गरीबी को दूर करना टिकाऊ विकास का पहला लक्ष्य है। सभापति जी, गरीबी को दूर करने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हम उनका सहारा बने और हम उन्हें उनका हाथ पकड़कर चलाएं। दूसरा रास्ता है कि हम उन्हें ही इतना सशक्त कर दें कि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न रहे, वो अपना सहारा आप बन जाएं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी निवारण के लिए दूसरा रास्ता चुना है और इसीलिए वो गरीबों का सशक्तिकरण करने में जुटे हैं। हमारी सारी योजनाएं गरीब को शक्तिशाली बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। योजनाएं तो अनेक हैं किंतु समय की कमी के कारण मैं केवल 3 योजनाओं का ही संक्षेप में उदाहरण देना चाहूंगी। सबसे पहली है जनधन योजना, जिसके अंतर्गत हमने विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। जिन गरीबों ने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था, ऐसे 30 करोड़ लोगों को हमने बैंक के अंदर पहुंचाया, उनके बैंक खाते खुलवाए हैं और जिनके पास पैसा नहीं था उनका 0 बैलेंस से बैंक खाता खुला है।
दुनिया में किसी ने सुना नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है मगर पासबुक है बैंक की। ये जो असंभव चीज दिखती थी वो भारत ने संभव करके दिखाई है। 30 करोड़ लोग, छोटा आंकड़ा नहीं है, अमेरिका की समूची आबादी है 30 करोड़, लेकिन 30 करोड़ लोगों को हमने मिशन मोड में बैंक से जोड़ने का काम किया। कुछ लोग अभी बचे हैं किंतु कार्य जारी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 100% को इससे जोड़ना है। दूसरी योजना है मुद्रा योजना, जो फंडिंग फॉर दी अनफंडेड के लिए चलाई जा रही है, यानी जिसे कभी बैंक से कर्ज नहीं मिला केवल उसी को इस योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत 70% से ज्यादा ऋण केवल महिलाओं को दिया गया है। सभापति जी, बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है, इसलिए स्किल इंडिया योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल देने के बाद मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण देकर हम उन्हें स्वरोजगार के काबिल बना रहे हैं। तीसरी योजना है उज्ज्वला योजना। सभापति जी, गरीब महिलाओं के लिए रोज रोज रसोई का ईंधन जुटाना एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है, और उसके बाद उस धुएं से उनकी आंखें दिन रात अंधी होती चली जाती हैं। इन दोनों पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वल योजना के अंतर्गत हम गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। GST जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ने एक राष्ट्र और एक टैक्स की कल्पना को साकार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जोर देकर और स्वच्छ भारत अभियान चलाकर भारत एक सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है।